झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। सफाई कर्मचारी को मिलेगा जिले का प्रथम कोविड-19 प्रतिरोधी टीका। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का धनबाद बनेगा गवाह। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का आगाज धनबाद में भी 16 जनवरी को होगा। यहां के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 100-100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री 16 जनवरी को 10:30 में इनकी लॉन्चिंग करेंगे। इसके बाद धनबाद में भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। धनबाद में टीकाकरण के लिए 16,000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह खबर है रांची से। भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा, किसानों के हित की बात करने वाली सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्यों बंद कर दी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ कांग्रेस के हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन को भाजपा ने विधवा विलाप बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। झारखंड में गठबंधन की सरकार किसानों के हित की बात कही है, लेकिन हम कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह पूछना चाहते हैं कि राज्य में आखिर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्यों बंद कर दी गई है। यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या। यह खबर है जमशेदपुर से। योगी यूथ ब्रिगेड ने ओल्ड एज होम में किया कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण। बढ़ते ठंड के मद्देनजर योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से शुक्रवार को जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। ब्रिगेड के केंद्रीय अध्यक्ष समरेश सिंह ने बताया कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले योगी यूथ ब्रिगेड के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष साकेत भारद्वाज को जन्मदिन जरूरतमंदों की सेवा के रूप में मनाया गया है। इस दौरान बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद भवन ओल्ड एज होम में जाकर सभी बड़े बुजुर्ग के बीच कंबल बांटे, मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों ने इस कार्य की सराहना करते हुए आशीर्वाद दिया। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 8 जनवरी से 10वीं और 12वीं की शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 8 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री के अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा का साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 से स्कूल आ सकेंगे। विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों को साफ सफाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। स्कूल को कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवला खेस ने बताया है कि स्कूल की सफाई शुरू करने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्व से उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा आवासीय स्कूल खुलने के बाद सरकार द्वारा जारी SOP के कुल 23 बिंदुओं का अक्षर से पालन करना होगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही स्कूल को नहीं बरतनी होगी। खबर है धनबाद से। रंगदारी मामले का हुआ खुलासा। सुजीत सिन्हा के साथ इस बड़े अपराधी का नाम आया सामने। शहर के व्यवसायी और कारोबारियों से लगातार मांगी जा रही रंगदारी मामले का उद्भेदन धनबाद पुलिस ने कर दिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी संख्या में असलहा और 1,60,000 रुपये नगद बरामद किया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस सभी अपराधियों का जुड़ाव जेल में बंद अमन सिंह से रहा है। रंगदारी के इस मामले में अमन सिंह और सुजीत सिन्हा की संलिप्तता सामने आई है। 17 को रांची में झारखंड आंदोलनकारियों की होगी बैठक। मथुरा प्रसाद महतो बने प्रदेश संयोजक। झारखंड आंदोलनकारियों संघर्ष मोर्चा का प्रदेश संयोजक पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो को बनाया गया। महतो ने शुक्रवार को रांची स्थित अपने सरकारी आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सहमति दी। उक्त जानकारी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने दी है। महतो ने कहा है कि 17 जनवरी 2021 को रांची में आवश्यक बैठक होगी। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के झारखंड आंदोलनकारी प्रतिनिधिगण उपस्थित होंगे। यह खबर है बोकारो से। नहीं मिली सेना में नौकरी तो बना फर्जी BSF कमांडेंट। सीमा सुरक्षा बल में सिपाही की नौकरी दिलाने के नाम पर 3 बेरोजगार युवकों से 10 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बालीडीह थाना पुलिस ने आरोपी को बिहार के भागलपुर TCS रोड मरवाड़ी पट्टी नाथनगर निवासी मानव राज को गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार को अदालत के आदेश पर शुक्रवार को मंडल कारा चास भेज दिया गया है। उसे भागलपुर से ट्रांजिस्ट रिमांड पर
लाया गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। अपने ट्रकों के साथ आओ या परिणाम भुगतो। भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब के भुल्लर हेरी में दी चेतावनी। किसी भी लड़ाई या आंदोलन का एक नैतिक नियम होता है, जो भी लड़ रहा हो उसे अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के शामिल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान किसान आंदोलन इसके ठीक उलट जता दिखाई दे रहा है। यहाँ आंदोलन में भाग लेने समर्थन न देने पर आपको न सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि कुछ समाज के ठेकेदार आपको अपनी पहचान या आपकी संस्कृति से भी पदच्युत कर दे सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, भारत को दे सकता है सैन्य समर्थन, चीन हुआ नाराज। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें सामने आया है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाने चाहिए। हालांकि चीन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नाराज हो गया है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल रही है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर दक्षिण एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। अमेरिका लंदन नहीं, 4 साल बाद कुछ ऐसा दिखेगा दिल्ली रेलवे स्टेशन। 50 अरब में होगा ये चमत्कार। भारत की राजधानी दिल्ली विदेश में देश की पहचान है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट देश की राजधानी से सीधे जुड़े हैं। ऐसे में अब दिल्ली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसके तहत 50 अरब रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसके लिए बिडिंग का आमंत्रण दिया है। कॉलर ट्यून पर अब नहीं सुनाई देंगे अमिताभ बच्चन। जानिए किसकी आवाज पड़ेगी अब कॉल करते समय। अब से आपको फोन कॉल करते समय 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, अमिताभ बच्चन की आवाज वाली यह कॉलर ट्यून नहीं सुननी पड़ेगी। 15 जनवरी 2000 से यह लागू कर दिया गया है। अमिताभ की जगह एक महिला आर्टिस्ट की आवाज में लोगों को कॉलर ट्यून सुनाई देगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की कृषि कानून की तारीफ, एग्रीकल्चर लॉज को बताया अहम कदम। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 51 दिनों से जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कृषि कानूनों की तारीफ की है और कहा है कि यह कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट 2021 में रेल यात्रियों को रुलाएगा या राहत देने वाला होगा रेल बजट, जाने क्या है उम्मीद। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा, तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आम बजट के दिन आम हो या खास, हर शख्स की निगाह रेल बजट पर होती है। हालांकि इस बार रेल बजट का इंतजार कर रहे लोगों को निराश हाथ लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बजट 2021 में रेलवे के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि रेलवे का बजट पिछले 17 वर्ष से करीब 3-5% बढ़ सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के CEO आधार पूनावाला ने मनाया 40वां जन्मदिन। पत्नी ने पावर हाउस का कर दी बधाई। बिजनेस डेस्क, पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेस की चर्चा हो रही है। इस बीच भारत में कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने गुरुवार को परिवार के साथ अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। आधार पिछले कई सालों से वैक्सीन पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी उन्हें पावर हाउस का कर बधाई दी और सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की। आम आदमी को राहत, सब्जियों की कीमतें कम होने से घटी थोक महंगाई, प्याज 55% हुई सस्ती। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से महंगाई को लेकर जारी आंकड़े आम आदमी के लिए थोड़ी राहत पहुंचाने वाली है। DPIIT के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण 2020 के आखिरी महीने दिसंबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर घटकर 1.22% पर आ गई। इससे पिछले महीने यानी नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 1.55% और दिसंबर 2019 में यह आंकड़ा 2.76% था। सब्जियों के दाम में 13.2% की कमी हुई है। इंडियन आर्मी की नीति में बदलाव, एनकाउंटर नहीं सराउंडर कराने पर देगा जोर।
भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसके तहत वह मुठभेड़ों के दौरान अपने कर्मियों की जान को खतरा होने के बावजूद आतंकवादियों के आत्मसमर्पण पर अधिक जोर दे रही है। यह एक ऐसी नीति है जिससे बीते 6 महीने के दौरान 17 युवकों की जान बचाने में मदद मिली है। NDTV की पत्रकार को लोगों ने कहा NDTV से रिजाइन करने से पहले अपनी औकात देख लेती। वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान करीब 21 साल तक NDTV से जुड़ी रही। जून 2020 में उन्होंने इस संस्था से इस्तीफा देकर प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी पारी शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह ज्यादा हैरान करने वाली है। अब उन्हें पता चला कि वो साइबर फ्रॉड की शिकार हो चुकी है, उनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। निधि ने अपने साथ हुए हादसे का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप से बातचीत करेंगे और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। कुंभ की तैयारियां जोरों पर, घाटों पर जाने नियम, 5 मिनट में 10,000 होगा स्नान। इस साल 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजन के लिए बेहद खास तैयारी की गई है। कुंभ के पावन अवसर पर हर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा पाए, इसके लिए काफी खासा इंतजाम किया गया है। कुंभ की तैयारियों के चलते हर की पौड़ी और नजदीक के गंगा घाटों में स्नान करने वाले श्रद्धालु केवल 3 ही डुबकी लगा सकेंगे, फिर इसके बाद श्रद्धालुओं को गंगा जी से बाहर आना होगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हर श्रद्धालु हर की पौड़ी में स्नान करके पुण्य कमा पाए। इस दौरान पूरी व्यवस्था का ध्यान करने के लिए पुलिस कर्मी सीढ़ियों पर तैनात रहेंगे। ममता बनर्जी की बड़ी हार, शाह से मिलेंगी बागी सांसद शताब्दी, किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस को कई झटके लग चुके हैं। कई मंत्री और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, इनमें से कई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम भी लिया है। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि TMC की सांसद शताब्दी राय दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती है। बता दें कि बीते कई दिनों से पार्टी छोड़ने की अटकलें जारी है। राम गोपाल वर्मा को दाऊद में नजर आए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादित प्रतिक्रिया के वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। आए दिन वह कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे वो टूलर्स की निशाने पर आ जाते हैं, लोग उनकी जमकर क्लास लगा देते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विवादित ट्वीट किया है, जिसमें वो एक बार फिर नए बवाल को जन्म दे रहे हैं। राम गोपाल वर्मा को दाऊद में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी हस्तियां नजर आ रही है। NCERT ने कई वर्षों तक बच्चों को गुमराह किया, अब मोदी सरकार स्कूल की पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं। UPA सरकार द्वारा 2005 में जब से NCERT की किताबों में मार्क्सिस्ट इतिहास भरा गया है, तब से वही देश के युवाओं को परोसा जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि बदलाव का समय आ चुका है और मोदी सरकार इन किताबों में बदलाव के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा पर संसद की अस्थायी समिति ने बुधवार को स्कूलों में वर्तमान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इतिहास की पाठ्यक्रम पुस्तकों के पुनरीक्षण पर चर्चा की। पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता पर बहस के दौरान NCERT के पूर्व निदेशक JS राजपूत और RSS समर्थित भारतीय शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।